नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं एक बेहद ही खास टॉपिक के बारे में जो आप सभी के लिए फायदेमंद हो, ये हमारा हर वक्त प्रयास रहता है। जी हां, चिलचिलाती धूप से झुलस गई है त्वचा, तो इन घरेलू नुस्खों से आप अपनी त्वचा की देखभाल कर सकते हैं। यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए। गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप तथा यूवी रेडिएशन की वजह से त्वचा में नमी कम हो जाती है, जिस वजह से त्वचा रूखी, मुरझाई हुई तथा बेजान हो जाती है और त्वचा का रंग सामान्य से ज़्यादा गहरा या काला हो जाता है। सौंदर्य विशेषज्ञ का कहना है कि इस मौसम में त्वचा की देखभाल के उपाय जानना बहुत जरूरी है। इस समय सूर्य की किरणों से त्वचा के बचाव के लिए सनस्क्रीन का लेप काफ़ी प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा टोपी पहनना, छाता लेकर के चलना तथा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर में रहना वैकल्पिक उपाय माने जाते हैं। अगर आपको भरी दोपहर में घर से निकलना ही पड़े तो सूर्य की गर्मी से बचाव करने वाली सनस्क्रीन बाजार में उपलब्ध है, इसका प्रयोग अवश्य कर लें। सूर्य की गर्मी तथा वायु प्रदूषण से चेहरे पर कील, मुहासे, छाइयाँ, काले दाग, ब्लैक शेड तथा पसीने की बदबू की समस्या हो जाती है। कैसे सुलझती है या फिर झुलसती है त्वचा, ये जानते हैं। सूर्य के सीधे प्रभाव में आने से त्वचा में मेलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है जो कि त्वचा की रंगत को प्रभावित करती है। मेलेनिन वास्तव में सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। मेलेनिन जब त्वचा के निचले हिस्सों में पैदा होने के बाद इसके ऊपरी बाहरी हिस्सों तक पहुंचता है तो त्वचा की रंगत काली पड़ जाती है। सूर्य की गर्मी से झुलसी त्वचा के रंगत को दोबारा हल्की रंगत में लाने के लिए त्वचा के अनुरूप फेशियल स्क्रब का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी त्वचा शुष्क हो तो सप्ताह में मात्र एक बार ही स्क्रब का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तैलीय त्वचा में इसका उपयोग दोहरा सकते हैं आप। स्क्रब को त्वचा पर आहिस्ता से गोलाकार स्वरूप में उंगलियों के सहारे लगाना चाहिए तथा कुछ समय के बाद इसे ताजे सादे पानी से धो देना चाहिए। इससे त्वचा की मृत कोशिकाएं हट जाती हैं जिससे त्वचा में निखार आ जाता है। जी हाँ, रसोई में रखे उत्पादों से आसानी से स्क्रब बनाया जा सकता है। वास्तव में रसोई में रखे अनेक उत्पाद जो कि झुलसी हुई त्वचा को ठीक करने के लिए सीधे तौर पर कार्य करते हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। सौंदर्य विशेषज्ञों के सुझाव आइए जान लेते हैं। दिन भर बाहर रहने पर शाम को चेहरे पर कुछ समय तक बर्फ के टुकड़ों को रखिए, इससे सनबर्न से हुए नुकसान से राहत मिलेगी तथा त्वचा में नमी बढ़ेगी। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से भी गर्मियों में झुलसी हुई त्वचा को काफ़ी सुकून मिलता है। सनबर्न के नुकसान को कम करने के लिए चेहरे को बार बार ताजे साफ तथा ठंडे पानी से धोइए। गुलाब जल में तरबूज का रस मिलाकर के चेहरे पर लगाने से 20 मिनट बाद ताजे पानी से धो डालने से सनबर्न का असर खत्म हो जाएगा। एक चम्मच शहद में 2 चम्मच नींबू का रस मिलाइए तथा आधा घंटा बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए। इसे प्रतिदिन चेहरे पर लगाइए। तैलीय त्वचा से झुलसी त्वचा को राहत प्रदान करने के लिए खीरे की लुगदी को दही में मिलाइए और इस मिश्रण को 20 मिनट बाद ताजे स्वच्छ पानी से धो डालिए। सूर्य की किरणों से झुलसी हुई त्वचा पर कॉटन वूल की मदद से ठंडा दूध लगाइए, इससे त्वचा को न केवल राहत मिलेगी बल्कि त्वचा कोमल बन करके निखरेगी। लंबे समय तक इसका उपयोग करने से त्वचा की रंगत में निखार आ जाता है। मुट्ठी भर तिल को पीस करके इसे आधे कप पानी में मिला लीजिए तथा 2 घंटे तक मिश्रण को कप में रखने के बाद पानी को छान करके इसे चेहरा साफ कर लीजिए। झुलसी हुई त्वचा में फायदा होता है। जी हाँ, जो भी मैंने अभी आप सभी को जानकारियाँ बताईं, ये रिसर्च पर आधारित जानकारियाँ थी। तो किसी भी इसमें से औषधि को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कहीं आप किसी और प्रॉब्लम के लिए कोई और औषधि प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई और दवा चल रही हो या फिर कोई औषधि जो है 100 लोगों को फ़ायदा करती है तो किसी एक दो को रिएक्शन भी कर सकती है। इसीलिए अपने फैमिली डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इन औषधियों का प्रयोग आप करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।